अब हम आपको समझाते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री थोड़ा समझें, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है डी जूरे एग्जीक्यूटिव और एक होता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब होता है नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख, लेटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं, नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख। हमारे यहां ये आपको पता कौन होता है, राष्ट्रपति। कोई भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, भारत में चलता है संसद सिस्टम, तो उसमें ये मिलेगा। और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। और इसका हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक कार्यकारी प्रमुख। तो हम जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं वो अपने देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है, मींस क्या, सभी कामों को वास्तव में करने वाले व्यक्ति को, समझ रहे। तो हम क्या क्या समझेंगे, पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होती है, या हम ये समझेंगे नियुक्ति होती कि निर्वाचन होता है। तो एक एस्पेक्ट पर पहले चर्चा कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कार्य क्या है और प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक है। सामान्य अगर हम बोल दें तो राष्ट्रपति के नाम से जितनी शक्तियां आपने पढ़ी हैं उनका वास्तविक में प्रयोग कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। बात समझ रहे। तो देखिए प्रधानमंत्री के बारे में हम समझाते हैं इनकी नियुक्ति। तो एक आर्टिकल पढ़ेंगे आप 75 में, केवल ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन मात्र लिखी है कि भारत, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, केवल इतना लिख लीजिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब देखिए एक थोड़ा यहां से समझें यहां ये तो दिया है कि प्रधानमंत्री अपॉइंटेड है, अब तो समझ में ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्टेड नहीं है, है? समझे, मतलब निर्वाचित नहीं है, क्या है, नियुक्त है। अब दिक्कत क्या हो गई कि संविधान में इसकी प्रक्रिया कहीं नहीं दी गई। अगर कोई कह दे कि क्या प्रधानमंत्री के नियुक्ति की प्रक्रिया संविधान में दी गई है, तो हम कहेंगे कि नहीं। अब इसके मतलब क्या हो गया कि डी जूरे एग्जीक्यूटिव का जो हेड था राष्ट्रपति, उसके पास बड़ी पावर आ गई। तो हमारे यहां जब प्रक्रिया नहीं दी गई तो फिर क्या हुआ, कोई पहले एक परंपरा चली कि कौन बनाया जाएगा राष्ट्र प्रधानमंत्री। तो यह कहा गया कि जो निचला सदन है, निचला सदन समझते हैं, लोकसभा, यानी लोकसभा का बहुमत प्राप्त दल का नेता, बहुमत प्राप्त दल का नेता। अब ध्यान से यहां समझते जाएगा थोड़ी चीजें। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिल जाए राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, कोई समस्या ही नहीं, ठीक। लेकिन क्या भारत जैसे जो बहुदलीय सरकारें जहां चलती हैं या पार्टियां हैं, क्या वहां हर बार किसी एक पार्टी को बहुमत मिल ही जाएगा, इस बात की क्लियरिटी है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए हम एग्जांपल देते नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति थे 1977 के करीब, बात समझ रहे, नीलम संजीव रेड्डी, उस दौरान चौधरी चरण सिंह को क्या बनाया गया। अब क्या दूसरी स्थिति क्या है, अगर किसी भी पार्टी को नहीं बहुमत मिल रहा है तो कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास आती है वैयक्तिक विवेक शक्ति, वैयक्तिक विवेक शक्ति। इस टर्म को समझे, वैयक्तिक मतलब पर्सनल विजडम पावर। क्या वो करेगा, इस वैयक्तिक विवेक शक्ति का भी समझ लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है। वैयक्तिक विवेक शक्ति के अंतर्गत वो स्वयं निर्धारित करे कि हम किस पार्टी के व्यक्ति को आमंत्रित कर दें, वो आकर क्या कर दे, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन उसे एक निश्चित समय दिया जाता है, सामान्यतः एक माह, कि एक माह के भीतर वो सदन में अपना विश्वास मत हासिल करे। चौधरी चरण सिंह को दिया गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अपने बाद आपको पता विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी को भी दिया गया, 113 दिन के प्रधानमंत्री, सुने होगा सबसे कम कार्यकाल के, तो उन्होंने भी विश्वास मत फिर हासिल नहीं कर पाया। तो मतलब हम समझा क्या रहे, सामान्यता तो जिसे बहुमत मिल जाए जिस पार्टी को, उसका नेता प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति के पास
वैयक्तिक विवेक शक्ति है, यही टर्म लिख कर आता है, वैयक्तिक विवेक शक्ति, पर्सनल विजडम पावर है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के को आमंत्रित करे और उस व्यक्ति को क्या बना दे प्रधानमंत्री, समझ आए। लेकिन कभी कभी क्या होता हमारे यहां ऐसा भी हुआ कि प्रधानमंत्री पद पर रहते ही उनकी डेथ हो गई, पार्टी के पास बहुमत भी था, सब कुछ था, लेकिन उसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जो जिसे प्रधानमंत्री ऐसे असाइन कर दिया जाए। तब उस समय कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है राष्ट्रपति, कैसा निर्णय ले सकता है व्यक्तिगत, ऐसा भी किया डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया, बात समझे, और किसी से पूछा भी नहीं था, यह व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिक विवेक निर्णय, समझ पा रहे परंपरा है, कैसी परंपरा कि अब अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो अब जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस व्यक्ति को आमंत्रित कर देंगे। और व्यक्तिगत निर्णय में क्या है कि अकस्मात अगर कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है कि प्रधानमंत्री की डेथ हो गई, जैसे देखिए इंदिरा गांधी की भी डेथ हुई, राजीव गांधी की भी डेथ हुई है हमारे, तो उन परिस्थितियों में जिस भी व्यक्ति को वो चाहे उस व्यक्ति को क्या बना देगा प्रधानमंत्री। राजीव गांधी वो बात अलग है कि हालांकि राजीव गांधी बाद में पुनः चुने भी गए प्रधानमंत्री उनकी पार्टी द्वारा, लेकिन ये क्या है व्यक्तिगत निर्णय। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति समझ में आ रही है, हमारे संविधान में प्रक्रिया लिखी नहीं है, केवल इतना लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति बहुत पावरफुल हो जाता है, समझ आ रहा, कब, जब गठबंधन की सरकार का दौर हो या अकस्मात प्रधानमंत्री की क्या हो जाए मृत्यु हो, उन परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियां सबको समझ क्लियर ठीक। अब हम समझाते हैं आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में, नियुक्ति समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत, चलिए अब इसकी पदावधि हेडिंग बनाएंगे। बताइए अच्छा प्रधानमंत्री की पदावधि कितनी होती है, अच्छा कभी 5 वर्ष आया तो मत मारना, निश्चित नहीं, किस पर, सदन में जब तक विश्वास मत है, सदन में जब तक विश्वास मत है, विश्वास मत तब तक ही वो प्रधानमंत्री रहता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, सदन में जब तक उसे विश्वास मत रहेगा तब तक क्या रहेगा वो प्रधानमंत्री, बात समझ में आ रही। तो 5 वर्ष नहीं सही करेंगे कोई लोग। अब मान लो वो ऑप्शन ही दिए हैं 3, 4, 5, 6, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में तब तो 5, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष ठीक। तो पदावधि समझ में आ रही, चलिए अब देखिए थोड़ा ये भी समझ लें, शपथ के बारे में बात करें, शपथ किसके समक्ष लेता है, तो हमें पता है कि वो राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, और पूछे कि क्या शपथ लेगा, तो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। एक बात याद रखेंगे, प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में समान ही है, हर मंत्री मंत्री परिषद का यही शपथ लेगा, और क्या लेते हैं, कहते हैं कि मैं अपने पद की श्रद्धापूर्वक क्या करूंगा, पालन करूंगा, देश की एकता अखंडता को संरक्षित करूंगा, ये भी कहते हैं हम किसी के साथ द्वेष भेदभाव ये सब नहीं करेंगे, वो बात अलग है कि हमारे पॉलिटिक्स में जो कहा जाता वो किया नहीं जाता ठीक है। तो ये सब शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति, समझ में आ रही बात, तो हमने क्या समझ लिया, नियुक्ति कैसे होगी, पदावधि क्या है, शपथ क्या है, अब हम समझते हैं वेतन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कितना वेतन होता होगा प्रधानमंत्री के रूप में, इसका कोई वेतन नहीं, क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में इसका कोई वेतन नहीं होता है, किसके रूप में वेतन लेता है, संसद सदस्य के या सांसद के रूप में, किसके रूप में वेतन पाता है, सांसद के रूप में पाता है, लेकिन इसे क्या मिलेगा आवास मिलेगा, प्रधानमंत्री के रूप में क्या मुफ्त मिलेगा, मुफ्त आवास, मुफ्त यात्रा भत्ता, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री के रूप में क्या मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, आवास मिलेगा, यात्रा मिलेगा, चिकित्सा मिलेगी, ठीक है,
और भी बहुत से भत्ते मिलते हैं, अन्न भत्ते भी लिख देना, अन्न परलब्धियां भी मिलती हैं। जैसे विदेशी चीजों को कहते हैं कि विदेश नीति को मूर्त रूप देने के लिए जाएगा, तो बहुत सी चीजें और भी जो एक्स्ट्रा खर्चे की आवश्यकता होगी वो भी इसे प्राप्त होगा। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया यहां तक प्रधानमंत्री में, कि नियुक्ति कैसे होगी प्रोसीजर समझ आया, फिर शपथ हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसे अगर आप ध्यान से समझो, प्रधानमंत्री के संबंध, वो वाले संबंध नहीं है, ऐसी बात तो मतलब। ठीक, पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के साथ इसके संबंध कैसे कैसे, ठीक है। दूसरे जो समझेंगे वो मंत्रिपरिषद के साथ संबंध कैसे है, ठीक है। और तीसरे हम किसके साथ समझेंगे बताइए, राष्ट्रपति के साथ हो गए, मंत्रिपरिषद के साथ हो गए, और संसद के साथ। ठीक, तीनों के संबंधों पर थोड़ा ध्यान दें। यहां से समझिएगा, ये बात तो हमने पहले आपको बताई कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक, और फिर अगर एक पहला संबंध यह होता है इसका कि क्या करेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए, जितने भी प्रशासन संबंधित कार्य कराएगा, कौन से संबंध, उन सब की सूचनाएं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दे, मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो कौन से हमने पहला कार्य क्या समझा है, प्रशासन संबंधित जानकारी। दूसरा समझिएगा यहां पर कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आया है जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है और मंत्री ने उसे लागू कर दिया है, तो उसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है कि प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाओ। ठीक है, और फिर अन्य कोई भी सूचना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग सकता है। बात समझ पा रहे, तो ये तीन सब किसके साथ इसके है रिलेशन, राष्ट्रपति के साथ। अब मंत्रिपरिषद के बारे में समझिए, यहां तो सर्वे सर्वा। अगर मंत्रिपरिषद, पहली बात तो ऐसे समझिए, जितने मंत्रियों की नियुक्ति होनी है इसमें, इन सबके लिए सलाह प्रधानमंत्री जिसके लिए देगा वही इस मंत्रिपरिषद में भाग लेगा, अदरवाइज कोई भाग नहीं लेगा। अभी मंत्रिपरिषद समझाएंगे, आप समझे गए। अध्यक्षता अगर मंत्रिपरिषद की करनी है तो कौन करेगा, पीएम, मतलब मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, पीएम करेगा। दूसरा पॉइंट पर फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रधानमंत्री ने कहीं त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। मतलब हमारा इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया तो रिक्तता की स्थिति बनती है, और अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया तो शून्यता की स्थिति बनती है। ये यही स्टेटमेंट पूछा गया, समझे, कि कौन सा ऐसा मंत्री, ऑप्शंस दिए थे कि जो अगर मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दे तो शून्यता की स्थिति बन जाएगी। उन्होंने दिया गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और प्रधानमंत्री, और मतलब ऐसे ऑप्शंस दे दिए। कहने का मीन यह है कि प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देगा तो पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त मानी जाएगी। ठीक, अगर कहीं मृत्यु हो जाए प्रधानमंत्री की तो माना जाएगा कि पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो गई, बर्खास्त। बात समझ, जिसे चाहे उसे क्या कर पा, हटाने की सिफारिश कर सकता है, हटाने की सिफारिश कर सकता है। मंत्रालय भी इसमें आवंटन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। याद रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है सलाह पर, लेकिन मंत्रालयों का आवंटन कौन कर रहा है, तो मतलब सबसे गहरे संबंध किसके साथ है, प्रधानमंत्री के साथ, है ना। साइड में है, इन्हें भी जानकारी अनकारी इन्हें भी दे रहे हैं, ठीक, थोड़ी थोड़ी चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ रोल चल रहा है, सर्वे सर्वा इसका है। अब देखिए, इसी भी कुछ टिप्पणी बताएं, जेनिंग्स जानते हो, जेनिंग्स एक पॉलिटिकल थिंकर है, वो कहता प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सूर्य के समान है, जैसे सौरमंडल है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब कुछ है, उसमें सूर्य के समान क्या है, प्रधानमंत्री। वो कहता रात में जैसे चंद्रमा चमकता है वैसे क्या है, कहते नौका का मल्लाह प्रधानमंत्री, मल्लाह ही ना हो तो नौका कहां जाएगी, कुछ पता। तो बहुत बढ़िया बढ़िया थॉट्स दिए जाते हैं इसमें, बहुत अच्छी। तो प्रधानमंत्री क्या है मेन,
और एक थिंकर यहां तक कह देता है, अंबेडकर क्या कह रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करनी हो तो भारत के राष्ट्रपति की कभी मत करिएगा, किसकी करना है, प्रधानमंत्री की करिए। पावर की अगर तुलना आपको दिखानी है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बराबरी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। तो ये बात भी समझे, तो मंत्रिपरिषद में सर्वे सर्वा कौन होता है, प्रधानमंत्री। बात समझे मैं अभी। अब हम संसद, संसद में क्या करेगा, ये कहता है कि हम कभी भी सत्र आहूत कर सकते, के लिए सिफारिश करेगा, नहीं समझे। राष्ट्रपति हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करता है क्या, भोजन भाषण उद्घाटन, सत्र आहूत करने को तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन कौन कहने, किसके कहने पर, सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त कर देना, लोकसभा के विघटन की सिफारिश करेगा, नहीं। तो ये सब किसके साथ संबंध है, प्रधानमंत्री संसद के साथ। तो समझ में आया कि राष्ट्रपति किसके, मंत्रिपरिषद के साथ क्या, संसद के साथ क्या, कैसे करेगा। किसी को यहां तक तो कोई दिक्कत। अब कुछ फैक्चुअल डेटा पूछे जाते हैं हमारे यहां, जो हम थोड़ा सा आपको क्लियर करें। पूछा ये जाता है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसे मैं कुछ जजमेंट बताता हूं एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेस पर, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी आपके उससे। एक 1980 में दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये कहा गया कि आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले सदस्य होना आवश्यक नहीं है। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है तो वो किसी सदन का सदस्य हो ही यह अनिवार्य नहीं। मतलब क्या है कि वो फिर आगे 6 माह के भीतर क्या हो जाए, सदस्य। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को 1997 में रिपीट कर दिया कि सही बात, इसका मतलब हमारे यहां प्रधानमंत्री कोई वो व्यक्ति भी रह सकता है जो अभी सदन का सदस्य नहीं है। दूसरी बात और समझिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हमेशा वही व्यक्ति बनेगा जो निचले सदन का सदस्य होगा। निचले सदन का मतलब जैसे हमारे यहां लोकसभा, निचले सदन का, ठीक, समझ रहे। अब लेकिन हमारे यहां किसी भी सदन का हो सकता है, राज्यसभा का और लोकसभा। राज्यसभा के कुछ सदस्य रहे हैं हमारे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से ही रही प्रधानमंत्री, समझे। मनमोहन सिंह भी कहां से रहे, HD देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम, वो भी राज्यसभा से ही रहे। बात समझ रहे। एक फैक्चुअल डेटा बनने एग्जाम में ये पूछे, कौन कौन से ऐसे सीएम हुए जो प्रधानमंत्री बने। एक तो पता ही वर्तमान वाले हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के 2001 से 2014 तक सीएम ही रहे, है ना, और उसके बाद क्या बन गए, प्रधानमंत्री। सोचो क्या किस्मत लिखा गया है। हम लोग ग्रुप डी की नौकरी नहीं पा पा रहे हैं, प्रयास पर प्रयास। वो बात अलग कि ख्वाब ग्रुप ए का है, तो स्थिति समझ रहे हैं। अब वो तो बात इस पर फोकस करते हैं आगे, कौन और बना। देखिए सीएम कौन कौन, आपने सुना होगा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के रहे, बीपी सिंह यूपी के रहे, पीवी नरसिम्हा भी सीएम भी रहे और प्रधानमंत्री भी। पीवी नरसिम्हा राव का नहीं नाम सुना, HD देवगौड़ा का नाम बताइए दिया। 6 लोग ऐसे हैं जो सीएम भी रहे और प्रधानमंत्री हैं, नाम उनके लिस्टेड कर लो चाहे, ठीक। कौन कौन है, पहला वहां से चौधरी चरण सिंह से लिख लो, चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, फिर पीबी नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, HT देवगौड़ा, और राज्यसभा के लिए भी हमने बताई थी आपको, है ठीक। पांच ही हो रहे, कौन से छूट रहा है भाई, नरेंद्र मोदी लिख लिया, है?
चलिए एक देख लेना, सर्च कर लेना बाद में। तो इस बात समझ में आ रही? ठीक। तो प्रधानमंत्री में हमसे कुल मिला के इतनी ही बातें पूछी जाती हैं। ठीक। तो प्रधानमंत्री में इससे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाता। डाउट हो कोई अगर किसी को तो वो पूछे, नहीं तो फिर हम अगला समझाएं। तो मंत्री परिषद